चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो आज के सेशन का 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे। बीपीएससी का एग्जाम अप्रैल महीने में संभावित है, अभी आयोग का नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं ना कि युद्ध काल में पसीना बहाने से अच्छा है, युद्ध काल में खून बहाने से अच्छा है कि शांति काल में पसीना बहा लिया जाए, है ना। युद्ध काल में कितना भी खून बहाइए, यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपका हार निश्चित है। लेकिन अगर कहते हैं कि जब युद्ध नहीं है, उससे पहले ही अगर आप पसीना बहा लिए होते तो शायद युद्ध में आपको न तो खून बहाना पड़ता और जीत भी आपकी निश्चित हो जाती। तो समय ज्यादा नहीं होता, हमें लगता है समय ज्यादा है पर कैसे निकलता है किसी को पता नहीं होता। इसलिए हम लोग लगातार मेहनत करते रहें, अपनी कमियों को दुरुस्त करते रहें, बेहतर करते रहें, ताकि जब प्री एग्जाम हो तो एग्जाम के दिन ही पता चल जाए कि मेरा प्री हो रहा है और उसके अगले दिन से आप मेंस पे लग जाएं। आपका स्कोर इतना ज्यादा हो कि आपका प्री कंफर्म रहे आपके हिसाब से उसी दिन, तब अगले दिन से ही आप मेंस का एग्जाम में लग जाएंगे। लेकिन अगर बाउंड्री लाइन पे आप लटकेंगे तो उससे क्या घाटा होगा कि आप वेट करते रहेंगे रिजल्ट का, कि पीटी का रिजल्ट होगा तब मेंस पे लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लड़का प्री एग्जाम के बाद से मेंस पे लगा है और आप रिजल्ट आने के बाद लगेंगे तो असर तो होगा ही। इसलिए आप इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए प्री के दिन ही कि हमारा हो रहा है। तो चलिए लगातार मेहनत करते रहिए, हम लगातार प्रत्येक दिन शाम 4 सवा 4 में आपके लिए लेकर आते रहेंगे 50 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लोग देखते हैं स्टूडेंट। ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई इन नीतियों का अवलोकन करिए, इन नीतियों का अवलोकन कीजिए जिनका उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। भारत में अपने शासन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था इन सभी नीतियों का उपयोग, इन सभी नीतियों का उपयोग भारत में अंग्रेजों ने अपने सत्ता के विस्तार के लिए किया था। अधीनस्थ पृथक्करण, घेरे की नीति और अधीनस्थ संघ की नीति, ये तीनों का उपयोग अंग्रेजों द्वारा किया गया था किसके लिए भैया? ये तीनों का उपयोग किया गया था अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन के विस्तार के लिए। ये पूछ रहा है क्रम से कि सबसे पहले कौन सा लाया गया, उसके बाद कौन लाया गया, उसके बाद कौन सा लाया गया। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति कब लाया गया, घेरे की नीति कब लाया गया और अधीनस्थ संघ की नीति कब लाया गया, इसको अरेंज करने पूछ रहा है। तो सबसे पहले लाया गया घेरे की नीति, सबसे पहले लाया गया घेरे की नीति, उसके बाद लाया गया अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति और उसके बाद लाया गया अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति सबसे पहले अंग्रेजों ने नियम बनाया कि क्या करना है, कि जो हमारा शासन है उसके चारों तरफ जितने भी राज्य हैं उन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया जाए, उसके बाद इनके बीच फूट डाला जाए और फिर अंतिम में इनके क्या बनाया जाए, इनको कुछ पावर देकर इनको इनके विश्वास को जीतने का काम किया जाए। इन सभी नीतियों के द्वारा अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन प्रशासन के विस्तार का कार्य किया। इसमें सबसे पहले याद रखिए घेरे की नीति, दूसरा याद रखिए सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति, और थर्ड पे आएगा सबसे लास्ट में आएगा अधीनस्थ संघ की नीति। ये आंसर हो जाएगा इसका बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पूरे ब्रिटिश काल में ये तीन नीतियों पर काम हुआ, भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए तीन नीतियों पर काम हुआ। क्रम से अगर देखें तो सबसे पहले घेरे की नीति, उसके बाद अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति और उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति। 2, 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी में थोड़ा डिलीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग का कहना था कि सर इंग्लिश में भी पेपर दीजिए, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर इंग्लिश में भी पेपर को लाइए, तो मैंने इंग्लिश में भी पेपर को रखा, इसीलिए इसीलिए पेपर को हम लोग इंग्लिश में भी डाला है ताकि आप समझ लें। विच इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है।
इसका सही उत्तर होगा सी, भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकाले का विवरण। देखिए हम लोग कहाँ दिक्कत करते हैं, देखिए एक प्रश्न हम लोग सामने एक बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है कि प्रश्न को न पढ़ पाना। हमने जैसे ही देखा मैग्ना कार्टा, आपने क्या मार दिया आंसर, वुड डिस्पैच। मैग्ना कार्टा सुनते ही लोग फटाक से आंसर करते हैं वुड डिस्पैच होगा, लेकिन नहीं, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगर यहाँ रहता भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो नो डाउट वुड डिस्पैच आंसर होता। देखिए हम कहाँ गलती करते हैं, मैं डिस्कशन के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम हॉल में क्या जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि पूछ क्या रहा है परीक्षा में। तो मैग्ना कार्टा पूछ रहा है अंग्रेजी शिक्षा का, और आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया था, ये सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार प्रसार के लिए। अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के विस्तार के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी इंडिया से कि मैं अंग्रेजी को इस कदर फैलाना चाहता हूं भारत में, इस कदर भारत के रूह में, इस कदर भारत के ब्लड में अंग्रेजी को बसाना चाहता हूं कि ऊपर से देखने में इंडियन इंडियन लगे पर अंदर से पूरे अंग्रेज हो जाएं, हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। तभी तो आज मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अगर किसी को दोषी माना जाता है तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ, तो लॉर्ड मैकाले के विवरण के अनुसार तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा रहे तो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, लॉर्ड मैकाले कब आए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछे तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 का, 1854 का वुड डिस्पैच। समझना रहा, वैसे हर्टोग समिति शिक्षा पर ही था, शिक्षा के विकास के लिए ही हर्टोग समिति भी लाई गई थी, हर्टोग समिति 1944 में लाई गई थी, 1944 में हर्टोग समिति लाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे शिक्षा पर और भी समिति बनी है, जैसे लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय हंटर कमिटी, ये भी शिक्षा पर ही था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय सैडलर आयोग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय सैडलर आयोग 1917 में आया था, यह भी शिक्षा के लिए था, 1944 में हार्टोग कमीशन, यह भी एजुकेशन के लिए था। आपको मैं बता दूं कि प्री के लिए तो ये शिक्षा के जितने भी आयोग हैं ये प्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ मेंस एग्जाम अगर आप देंगे तो जीएस के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में लगा हुआ है, तो वहां भी भारतीय शिक्षा के विकास से हर एक साल बीच करके पूछ लेता है। अब बीपीएससी का प्रीवियस पेपर मेंस का देखिए, उसमें जीएस फर्स्ट पेपर में देखेंगे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का विकास, विज्ञान के शिक्षा का विकास, ये हर एक साल बीच करके पूछा ही है। तो आप इन समिति के रिपोर्ट को अगर याद रखेंगे, कौन कौन, वुड डिस्पैच, मैकाले आयोग, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, इसके अलावा सैडलर आयोग और हर्टोग समिति, इन सब का अगर रिपोर्ट अगर आपका क्लियर है तो आप समझ लीजिए कि अल्टरनेट में पूछता है, अगर 66 में नहीं पूछा है तो 67 में क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम तय है। इसलिए भारत में शिक्षा का विकास आप मेंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखने के बाद एक केंद्रीय समिति बनाई गई थी, इस समिति का कौन सा सदस्य बिहार से था, ये बिहार स्पेशल भी हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आप जानते हैं इसकी स्थापना हुई थी कब, 1924 में कानपुर में हुआ था इसकी स्थापना, बाद में इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया 1928 में। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, किसके जगह पर, इसके स्थान पर। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 में, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी और इसी का नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब किया गया, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में किया गया। इसमें मर्ज कर दिया गया भगत सिंह के, जो भारत नौजवान सभा बनाया था 1926 में, भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था, क्या
भारत नौजवान सभा, इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया, तभी इसका नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बाद कह रहा है कि जो बन गया ये, इसके बाद एक केंद्रीय समिति बनी थी, उसमें एक मेंबर बिहार से थे। वो मेंबर थे कौन, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार से थे? अंग्रेजी में क्या पढ़ लीजिए इसको, आफ्टर द चेंजिंग द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ए सेंट्रल कमिटी वाज फॉर्म्ड व्हिच मेंबर ऑफ दिस कमिटी वाज फ्रॉम बिहार। कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे मेंबर थे जो बिहार से भी बिलोंग करते थे? उसका इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आंसर इसका क्या ऑप्शन पढ़िए, सुखदेव, कुंदन लाल, पी एन घोष, शिव शर्मा। इसका सही उत्तर होगा सी, पी एन घोष। पी एन घोष जो थे ये बिहार से बिलोंग करते थे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद जो सेंट्रल कमिटी बनी, उसके उस कमिटी में एक मेंबर बनने वाले बिहार से कौन थे? पी एन घोष। पी एन घोष नोट कर लीजिएगा, पी एन घोष। क्लियर है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई थी। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई थी, बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना गया, लैंड होल्डर सोसाइटी। दूसरा कोटेशन है, जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ हो गया था बाद में। तीसरा कोटेशन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका अंग्रेजी में पढ़ देते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जमींदारी एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1837, लेटर इट केम टू बी नोन एज लैंड होल्डर्स सोसाइटी। द जमींदारी एसोसिएशन मर्ज विद द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। थर्ड इज, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। इसमें एक और दो दोनों सही है। 1837 में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई थी, और अगले साल 1838 में इसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया था। बाद में जमींदारी एसोसिएशन को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया था। तो ये दोनों सही है, तो एक और दो सही है, एक और दो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक बड़ी अच्छी जानकारी आपको दे दूं, ये जमींदारी एसोसिएशन था वही, उसी को लैंड होल्डर एसोसिएशन कहा गया। ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। भारत का पहला राजनीतिक संगठन पूछा जाए आपसे, भारत का पहला राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था, तो आंसर होगा लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था जमींदारों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार को रोकना। आप जानते हैं कि जो जमींदार अंग्रेजों के फेवर में होते थे उनको तो सारे सपोर्ट मिलते थे, लेकिन जो जमींदार अंग्रेजों को फेवर नहीं करते थे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। ऐसे में जमींदारों को भी क्रश किया जाता था। ऐसे में द्वारकानाथ टैगोर ने जमींदारों के राइट्स की राइट को रोक की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ये भारत का लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इसको आप नोट कर लेंगे, क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के साथ उत्तर दीजिए। जमींदारी बंदोबस्त लैंड होल्डर्स, जमींदार का मतलब लैंड होल्डर, उनका जो बंदोबस्त था जमींदारों के साथ किया गया था, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कृषकों के साथ किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर है, जमींदारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ। ये बंदोबस्त किसने किया, लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। आपको याद है कि स्थाई, इसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। जमींदारी बंदोबस्त को स्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको आप लैंड होल्डर सेटलमेंट कहिए या इसे आप परमानेंट सेटलमेंट कहिए, एक ही बात है। तो जमींदारी बंदोबस्त जमींदारों के लिए हुआ था, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो हुआ था वो किसानों के लिए और कृषकों के लिए हुआ था। मैं बता दूं कि जमींदारी बंदोबस्त में था क्या कि टैक्स जो है वो आम जनता, खेती करने वाली जनता अब सीधे अंग्रेज को टैक्स न देंगे, बल्कि अपना टैक्स किसे देंगे, जमींदार को देंगे। जमींदार ही अब टैक्स वसूलेगा।
और इसमें कहा गया कि जितना जमींदार टैक्स वसूलेगा उसका 90% तो ब्रिटेन की सरकार को दे देगा और बाकी 10% वो खुद मेहनताना के रूप में रख लेगा, यानी 9/10 दे देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को और 1/10 खुद वो रख लेगा अपने यूज के लिए, अपनी जो टैक्स वसूला है उसकी मजदूरी के तौर पर जमींदार रख लेगा 1/10, 10% टैक्स वो खुद रख लेगा, 90% दे देगा अंग्रेजों को। इसमें नियम बनाया गया था कि भैया फसल के आधार पे टैक्स नहीं लेंगे बल्कि जमीन के आधार पर टैक्स लेंगे, फसल हो चाहे ना हो जमींदार को टैक्स देना पड़ेगा, यानी जमींदार को टैक्स कहाँ से देना पड़ेगा भाई, तो किसानों से लेकर देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया टैक्स जमींदार तो जमींदार से जमीन छीन ली जाएगी। अब कौन अपना जमीन छीनवाना चाहता है भाई, एक इनकम का सोर्स है जमीन, उसने क्या किया जमींदारी, अगर जब किसी को बोल दें कि आप इतना टैक्स दीजिए हमको हर महीने वरना आपकी जमींदारी हम छीन लेंगे, तो अगर फसल नहीं होगा तब भी आप टैक्स वसूलने की कोशिश करेंगे, तब भी आप लोगों से जबरदस्ती करेंगे, एक तरह से कहिए कि ये बंदोबस्त ऐसा बंदोबस्त था जो लोगों के शोषण की शुरुआत करवा दिया, लोगों की शोषण शोषण होगा ही, इसमें कहा गया कि भैया जमींदारों को ये पूरा इलाका दे दिया गया और कहा गया टैक्स वसूलो, अगर फसल हुआ है तब भी वसूलो, फसल नहीं हुआ है तब भी वसूलो, जिस साल टैक्स तुम नहीं पहुंचाओगे तुम्हारा जमींदारी छीन ली जाएगी, जमींदारी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप टैक्स देते रहे तो आपको जमींदारी नहीं छीन जाएगी, आपके बाद आपका बेटा जमींदार बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। इस तरह से स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ, कब दिया गया 1793 में, किसने किया, किसने किया भाई, तो किया लॉर्ड कार्नवालिस ने, लेकिन रैयत वाली व्यवस्था ये लागू किया गया जब बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर थे उस समय दक्षिण भारत खासकर मदुरै में, दक्षिण भारत के मदुरै में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, किसने लागू किया टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था चेन्नई और मदुरै में लागू किया, दक्षिण भारत में लागू किया रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो कौन थे, जिस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे, टॉमस मुनरो। जिस समय बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उस समय मद्रास के गवर्नर जनरल थे टॉमस मुनरो। दक्षिण भारत में, क्या करने का, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, टॉमस मुनरो। एक और व्यवस्था उसी समय लागू हुआ था जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उस समय रैयतवाड़ी भी लागू हुआ और उस समय महालवाड़ी भी लागू हुआ, महालवाड़ी मध्य भारत और बंबई के क्षेत्र में लागू हुआ, महालवाड़ी को लागू करने का श्रेय एलिफिस्टन को जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, एलिफिस्टन ने लागू किया, और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया, टॉमस मुनरो ने लागू किया। रैयतवाड़ी का मतलब, रैयत का मतलब आम किसान, जो खेत को जोतते हैं, जो खेत में खेती करते हैं उन्हीं को रैयत कहा जाता है। इस व्यवस्था में क्या किया गया कि जमींदारी बंदोबस्त को समाप्त कर दिया गया, जो लॉर्ड कार्नवालिस का जमींदारी बंदोबस्त था उसे समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि सीधे आम किसान अब टैक्स देंगे, अब आम किसान सीधे टैक्स देंगे अंग्रेजों को, जमींदार बीच में नहीं आएगा, यानी जमींदार को जो मेडिएटर बनाया गया था उसकी मेडिएशन को खत्म कर दिया गया, अब डायरेक्ट किसान अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को सीधे टैक्स देना प्रारंभ कर दिया। तो ये दोनों जो बात लिखा है फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है जमींदारी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया, जमींदार बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया, जबकि रैयत वाली व्यवस्था में कृषकों को भूमि का मालिक बनाया गया, कृषकों को भूमि का मालिक बनाया गया। ये भी सही, दूसरा भी क्या है दूसरा भी सही, अभी बताया हूं आपको, जमींदार में जमीन का मालिक कौन हुआ, जमींदारी बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन है, जो टैक्स जो वसूल रहा है कौन हुआ, जमींदार, और रैयतवाड़ी में स्वयं किसान अपने खेत की व्यवस्था का मालिक होता है, तो दोनों सही है। तीसरा क्या है, जमींदारी व्यवस्था में भूमि राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार पर थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व अदा करने की जिम्मेवारी रैयत पर थी। देखो भूमि जमींदारी व्यवस्था हो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, टैक्स कौन पे करता था, जमींदार कभी टैक्स नहीं देते थे, टैक्स हमेशा रैयत ही देते थे, टैक्स हमेशा किसान ही देते थे। तो फर्स्ट कोटेशन इसलिए गलत है, इसका पहला लाइन गलत है, वही जमींदारी व्यवस्था में जमींदार टैक्स देते थे नहीं, उस समय भी किसान ही देते थे और रैयत वाली व्यवस्था में भी किसान ही देते थे, बस अंतर यह था कि जमींदारी व्यवस्था में जो किसान टैक्स देते थे वो जमींदार को टैक्स देते थे, फिर जमींदार जाकर अंग्रेजों को देता था, लेकिन रैयत वाली व्यवस्था में किसान डायरेक्ट ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा गलत है, 1 और 2 सही होगा।
अंग्रेजी में इसको कह लेते आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जमींदारी सेटलमेंट वॉज मेड विद द जमींदार वेयर रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज डन विद द कल्टिवेटर्स। इन द जमींदारी सेटलमेंट द जमींदार वॉज मेड द ओनर ऑफ द लैंड वेयर एज इन द रैयतवाड़ी सिस्टम द पीजेंट्स वेयर मेड द ओनर। पीजेंट मतलब किसान होता है, किसान ओनर होता था, बिल्कुल दूसरा भी चाहिए। तीसरा, इन जमींदारी सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द लैंड रेवेन्यू ऑन द जमींदार, नहीं जमींदार लैंड रेवेन्यू पे नहीं करते थे, कौन पे करते थे, पे करते थे पीजेंट्स ही पे करते थे। वेयर एज इन द रैयत वाड़ी सिस्टम इट वॉज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रैयत टू पे द रेवेन्यू। ये थर्ड ऑप्शन गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा एक और दो ओनली। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बंगाल में पिपली नामक स्थान पर किस लिए प्रसिद्ध है, बंगाल का एक जगह है पिपली, वो किस लिए प्रसिद्ध है। व्हाट इज द प्लेस कॉल्ड पिपली इन बंगाल फेमस फॉर, बंगाल में एक फेमस प्लेस है पिपली, वो किस लिए प्रसिद्ध है, पिपली क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है पहली डच फैक्ट्री, दूसरा ऑप्शन है पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, यहाँ खोला लगाया गया था, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री, जिसका सही उत्तर होगा पहली डच फैक्ट्री। पहली डच फैक्ट्री, बंगाल का पहला डच फैक्ट्री कहाँ खोला गया था, बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, पिपली में लगाया था। बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, पिपली में लगाया था। याद रखिएगा डच जो है, डच है, इन्हीं को हॉलैंड कहा जाता है। आजकल जो हॉलैंड या नीदरलैंड है वही प्राचीन काल में डच था, जो पहले डच था वही बाद में हॉलैंड बना, वही अब वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। तो बंगाल में ब्रिटिश ने भी अपनी फैक्ट्री खोली थी, बंगाल में फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री खोली, पुर्तगालियों ने भी अपनी फैक्ट्री खोली, लेकिन जो पिपली था वो किस लिए जाना जाता था, डचों की पहली फैक्ट्री। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, पिपली में खोली गई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या सात, सात नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन कौन थे, के चेयरमैन 1882 में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था। सबसे पहले तो ये बताओ कि 1882 में गवर्नर कौन थे, 1882 में गवर्नर कौन थे, लॉर्ड ड्रीपन। 1880 से 1884 इनका कार्यकाल था, और अभी जब मैंने बता रहा था अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो बताया था कि लॉर्ड ड्रीपन के समय प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए W.W. हंटर की अध्यक्षता में क्या बनाई गई थी, एक कमिटी बनाई गई थी। तो विलियम हंटर, हंटर कमिटी, आपको याद होगा पहला प्रश्न जब डिस्कस कर रहे थे या दूसरा प्रश्न शायद, तो उसमें बता रहे थे हम कि भाई शिक्षा के लिए कई सारी कमिटी बनी, जैसे मैकाले कमिटी, बूट डिस्पैच, हंटर कमिटी, यही जो हंटर कमिटी में बोल रहा हूँ यही हंटर है। ये बना था कब, 1882 में बना था, किसके समय बना, लॉर्ड ड्रीपन के समय बना। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो किसके लिए दिया, प्राइमरी एजुकेशन के लिए दिया, नोट कर लीजिएगा। W.W. हंटर ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया था, हंटर कमीशन इसी को बोलते हैं। और मैं बता दूं कि हंटर ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था इंडियन मुसलमान, इंडियन द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी, विलियम हंटर, W.W. हंटर, W.W. हंटर के द्वारा इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखी गई थी। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, विलियम हंटर, W.W. हंटर के द्वारा लिखी गई द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। कल मैंने चर्चा की थी, अगर कल का डिस्कशन आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन का गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 1876 से 1880। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक गवर्नर रहे। इनके समय में बंगाल में एक बड़ा अकाल पड़ा था, और अकाल में लोग मर रहे थे, खाए बिना लोग मर रहे थे। इधर लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार कर रहा था, महारानी विक्टोरिया को बुलाकर उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी जा रही थी, करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे थे, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जा रहा था, कैसरे हिंद की उपाधि दी जा रही थी, और उधर लोग मर रहे थे। अगले दिन अखबार में लिटन के बारे में भारतीय अखबारों में उल्टा सीधा लिखा गया, उल्टा पुल्टा लिखा गया, जिससे लिटन चिढ़ गया। और लिटन ने कहा कि आज के बाद कोई भी अखबार
हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम यानी भारतीय भाषाओं में नहीं निकलेगा। आज के बाद कोई भी अखबार निकलेगा भारत में, अगर किसी को अखबार निकालना है तो अंग्रेजी में निकाले, और वो भी सरकार के खिलाफ यदि आप लिख देते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उसने एक कानून बनाया जिसका नाम था वारनाकुदर प्रेस एक्ट। और वारनाकुदर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में, 1878 में वारनाकुदर प्रेस एक्ट लाया गया। वारनाकुदर प्रेस एक्ट कब लाया गया? 1878 में। इसमें क्या था? क्या था भाई कि कोई भी अखबार आज के बाद निकलेगा तो केवल अंग्रेजी में निकलेगा और और सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। ये वारनाकुदर प्रेस एक्ट था। इसके तहत हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई इसके तहत प्रतिबंधित होने वाला भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन था? सोम प्रकाश मैगजीन था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, बंगला भाषा में निकलता था। वो तैयार नहीं थे अपनी मैगजीन की भाषा बदलने के लिए, इसलिए इन पर प्रतिबंधित किया गया। यानी वारनाकुदर प्रेस एक्ट 1878 के तहत बैंड होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन था? वो था सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और कहा जाता है डर के मारे रातों रात अपनी भाषा को अंग्रेजी से, बांग्ला से अंग्रेजी कर दिया। वो तो कौन अखबार था? उस अखबार का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। उस अखबार का नाम था अमृत बाजार पत्रिका, 1878 में निकाली गई थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये इन विच ईयर द वारनाकुदर प्रेस एक्ट पास्ड? आंसर क्या होगा? 1878। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। जापान में पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर जो आप देख रहे हैं ना, ये पर्ल हार्बर अमेरिका का नेवी नेवल बेस है। पर्ल हार्बर अमेरिका का नेवी का बेस है। पर्ल हार्बर अमेरिका का नेवी का बेस है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था जब जापान ने अमेरिका के नेवल बेस, अमेरिका के सबसे बड़े नौ सैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर एकदम सुबह सुबह जाकर अटैक कर दिया। और कहते हैं कि एकदम देखते देखते पूरे पर्ल हार्बर नस्नाबूद हो गया है ना। तो ये कब हुआ है? हमला किस तारीख को हुआ? डेट के साथ पूछा है। इसका सही उत्तर होगा 7 दिसंबर 1941। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया और इसी का नतीजा था, पर्ल हार्बर के आक्रमण का ही नतीजा था कि अमेरिका ने निर्णय लिया कि भैया अब जापान को छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तो इसका मन बढ़ता जा रहा है। अब जापान का मन तो इतना बढ़ गया था 1905 में, 1905 में रूस जैसे बड़े देश, इतना पिद्दा सा देश है, और रूस जैसे बड़े देश को हरा दिया था। जापान ने रूस को हरा दिया, चीन को नाक में दम कर दिया, पूरा उत्तरी चीन पर इसका कब्जा था, जिसको मंचूरिया कहते हैं। उत्तरी चीन को मंचूरिया बोला जाता है। आप मंचूरियन खाते हैं ना? आप मंचूरियन खाते हैं तो नॉर्थ चाइना जो है, जहां पर उसकी राजधानी बीजिंग है, वो तो पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता है? मंचूरिया कहलाता है। पूरे मंचूरिया पर किसका अधिकार था? जापान का। तो जापान का मन इतना बढ़ गया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर, अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक बेस, उसको नस्नाबूद कर दिया। अब अमेरिका ने निर्णय लिया कि उसको छोड़ेंगे नहीं। और इस निर्णय के बाद अमेरिका निर्णय लिया कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, इस पर हमला किया जाए। और जापान पर क्या, कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया जाए? परमाणु बम गिराया जाए। तो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त को क्या किया गया? बम गिराया गया जापान के नागासाकी पर 6 अगस्त को, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया, और पूरे जापान को नस्नाबूद कर दिया गया। पूरे जापान को नस्नाबूद कर दिया गया। क्लियर है? हम लोग आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे फ्री पास अथवा शुल्क मुक्त व्यापार कहा जाता है? इनमें से किसे बोला जाता है, व्यापार का कौन सा टाइप, पूछा है कि ट्रेड का कौन सा टाइप है जिसे शुल्क मुक्त व्यापार के नाम से जाना जाता है? शुल्क मुक्त व्यापार के नाम से कौन सा टैक्स जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज कॉल्ड फ्री पास और ड्यूटी फ्री ट्रेड? किसको कहा जाता है फ्री पास फ्री ड्यूटी ट्रेड में से किसको कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन ए है परवाना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमिट। ऑप्शन बी है नजराना, जिसको पे अटेंशन है। और सी है दस्तक, नॉक, नॉक नहीं होगा, दस्तक ही होगा, नेम है इसलिए यहाँ दस्तक ही होगा। और लास्ट है रहदारी। इसमें से कौन सा टैक्स है जो फ्री पास या शुल्क मुक्त व्यापार भी कहा जाता था? उसका सही उत्तर है दस्तक। उसका सही उत्तर दस्तक। दस्तक जो था वो शुल्क मुक्त व्यापार था, शुल्क मुक्त व्यापार था। मध्यकाल में बिना शुल्क के जो व्यापार होते थे उसी को दस्तक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध लेखक
बुद्धिजीवी राज नारायण बसु, प्रसिद्ध लेखक और बुद्धिजीवी राज नारायण बसु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित थे? राज नारायण बसु का संबंध प्रसिद्ध स्कॉलर, फेमस स्कॉलर, फेमस राइटर राज नारायण बसु रिलेटेड टू विच नोबेल प्राइज विनर, किस नोबेल पुरस्कार विजेता से इनका संबंध था? फेमस राइटर एंड इंटेलेक्चुअल राज नारायण बसु इज रिलेटेड टू विच नोबेल लॉरिएट, कौन से नोबेल लॉरिएट हैं जिनसे इनका संबंध जोड़ा जाता है? राज नारायण बसु का संबंध किससे जोड़ा जाता है ये प्रश्न पूछ रहा है। राज नारायण बसु का संबंध किससे जोड़ा जाता है? राज नारायण बसु का संबंध किससे था, इनमें से किससे था? इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर से इनका संबंध जोड़ा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर पहले नोबेल प्राइज विजेता थे, भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए। इनकी और भी पुस्तक है, गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, ये सब इनकी किताबें हैं। अमर्त सेन इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 1898 में इन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता। इनको वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। सीवी रमन को फिजिक्स के सेक्टर में, भौतिकी के सेक्टर में इनको क्या दिया गया, 1929 में नोबेल प्राइज दिया गया। बाद में एस चंद्रशेखर को भी फिजिक्स के क्षेत्र में ही नोबेल प्राइज मिला। भारत में दो वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। और भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दो लोगों को नोबेल मिला है, एक अमर्त सेन को, एक अमर्त सेन को आइसबर्ग बनर्जी साहब से उनको दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है, कौन है भाई? फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया है बाबर, ऑप्शन बी दिया है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी दिया है हैदर अली, ऑप्शन डी है दिया है शाह आलम। हु इज द ऑथर ऑफ फतहुल मुजाहिदीन, हु इज द ऑथर ऑफ फतहुल मुजाहिदीन? इसका सही उत्तर होगा बी, टीपू सुल्तान। इसके रचनाकार कौन है? फतहुल मुजाहिदीन के रचनाकार कौन है? टीपू सुल्तान। आपको पता है कि टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा और उच्च कोटि का विद्वान था। इसके पिता का नाम था हैदर अली। आपको बता दूं कि हैदर अली एक छोटे से परिवार से आता था, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर इसने मैसूर जैसे एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी, मैसूर जैसे एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हैदर अली पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन योग्य व्यक्ति था। अपनी योग्यता के दम पर एक छोटे से परिवार से आने के बाद भी एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान, जो उच्च कोटि का विद्वान था, पढ़ा लिखा था, और इसने अपने साम्राज्य में विज्ञान का भी काफी विकास किया। और अपना संबंध फ्रांस में उस समय, आप जानते जिस समय टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन था, उस समय फ्रांस के बुद्धिजीवी वर्ग, जो फ्रांस के बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो वहां के शासक लुई के खिलाफ क्या कर रहे थे? मोर्चाबंदी कर रहे थे। वहां के जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, वो ग्रुप बना के वहां के शासक लुई सिक्सटीन के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, विरोध का प्लान बना रहे थे। जो पढ़े लिखे लोगों का जो टीम होता था फ्रांस में, उसे जैकोबिन क्लब के नाम से जानते थे, जैकोबिन क्लब के नाम से जानते थे। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का मेंबरशिप लिया। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। यूरोप के हिसाब से टीपू सुल्तान यूरोप यानी पश्चिम में जो सेना की ट्रेनिंग होती थी, उसी के तर्ज पर इसने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने की कोशिश की। यानी कंप्लीट समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा योग्यताधारी व्यक्ति कौन था? टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान अपने पिता को के दिया हुआ विरासत को संभाल नहीं सका और अंत में पराजित हुआ। लॉर्ड बिलेजली के समय 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के समय इसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। यानी युद्ध भूमि में लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। भारत में दो मुस्लिम शासक हैं जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे गए। एक इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, पानीपत की लड़ाई में बाबर से लड़ते हुए मारा गया। और दूसरा टीपू सुल्तान, जो एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में
लॉर्ड बिलेजली के समय इसकी हत्या कर दी गई। तो हैदर अली अनपढ़ था, अपनी योग्यता के दम पर बड़ा साम्राज्य लाया और टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा योग्य था, योग्यता इसके अंदर पिता से अधिक थी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा बन गया जिसके कारण टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और इसका साम्राज्य क्या हुआ, अंग्रेजों के हाथ चला गया। तो फतहतुल मुजाहिदीन किसने लिखी, टीपू सुल्तान ने लिखी। बाकी जानते हैं बाबर मुगल वंश का, बाबर मुगल वंश का पहला शासक था, बाबर मुगल वंश का पहला शासक था। बाबर कहां से आया था, समरकंद से, मध्य एशिया में एक जगह है उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया में जो आज उज्बेकिस्तान है उसी को समरकंद कहते थे। बाकी शाह आलम ये मुगल वंश का शासक था, इसको भी आप जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न को, हम बढ़ते हैं भूदान योजना, भूदान योजना या भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये तो कल भी मैंने चर्चा की थी आपको, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। हु स्टार्टेड भूदान स्कीम, आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, आचार्य विनोबा भावे। आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली, वहां के एक जमींदार ने जमीन दान दी थी, यानी भूदान की शुरुआत पूछा जाए कहां से किया गया, तो यह किया गया पोचमपल्ली गांव कहां, आंध्र प्रदेश से। इसको शुरू किसने किया, आचार्य विनोबा भावे, ये पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। और गांधी जी जब राजनीति में बिजी हो गए तो साबरमती आश्रम की बागडोर संभालने वाले भी कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य नरेंद्र देव की बात करें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह प्रश्न बीपीएससी में दो बार आ चुका है, यह प्रश्न सेम कि भाई कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बीपीएससी ने पहली बार 1934 माना और पहली बार 1932 माना, तो बीपीएससी अपना ही आंसर इधर उधर चेंज करती रहती है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 1934। क्लियर है। इसके अलावा राज नारायण, ये आजादी के समय के व्यक्ति नहीं थे, ये आजादी के बाद की जो राजनीति थी भारत की, आजादी के बाद की जो भारत की राजनीति थी उसके नेता थे राज नारायण। राज नारायण को भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ वाला नेता कहा जाता है, जोड़ तोड़ वाला नेता, जिसके तरफ होते थे कहते थे सरकार बना देते थे, जिसके तरफ नहीं होते थे सरकार गिरा देते थे, बड़ा तोड़ जोड़ वाले नेता थे, बहुत चालाक टाइप के नेता थे। जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था 1975 में, तो बाद में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुआ 1977 में, तो कहते हैं कि गांधी जी, इंदिरा गांधी का जो चुनाव क्षेत्र था रायबरेली, इनके खिलाफ राज नारायण ने चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई, राज नारायण से चुनाव हार गई, समझा रहे बात ना। तो इंदिरा गांधी को चुनाव हराने वाले व्यक्ति भी कौन थे, राज नारायण। उसके बाद मेधा पाटेकर, इनके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत फेमस सामाजिक कार्यकर्ता, और इन्होंने सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर एक बांध बना है सरदार सरोवर बांध। इनका कहना था कि बांध बनेगा तो लोगों की बस्तियां उजाड़ी जाएंगी, यहाँ के पेड़ काटे जाएंगे, इसलिए बहुत बड़ा सोशल एंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए सरदार सरोवर डैम नहीं बनना चाहिए। इन्होंने सरदार सरोवर बांध के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटेकर ने चलाया नर्मदा बचाओ आंदोलन, राज नारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, और जोर तोड़ वाले व्यक्ति थे, विनोबा भावे के बारे में बता दिया, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में मिग श्रृंखला, आप सुने होंगे मिग विमान, आपने सुना होगा मिग विमान होता है, मिग श्रृंखला के विमान किस देश से लाया गया है, भारत में मिग श्रृंखला के विमान किस देश से लाया गया है, इसका सही उत्तर होगा रूस, इसका सही उत्तर होगा रूस। फ्रॉम विच कंट्री डिड द मिग सीरीज एयरक्राफ्ट कम इन इंडिया, कहां से लाया गया भाई, रशिया से लाया गया, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन सी धुरी शक्तियों का हिस्सा नहीं था, आप जानते हैं कि जब विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया दो खेमे में बंट जाती है, दो हिस्सों में बंट जाती है, विश्व युद्ध में कोई दो देश नहीं लड़ते बल्कि ग्रुप लड़ता है, कुछ देश एक ग्रुप में चले जाते हैं और कुछ देश दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। तो उस समय दो ग्रुप थे, एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र, एक था
धुरी राष्ट्र जिसको हम लोग एक्सिस पावर कहते थे, और एक खंडित राष्ट्र जिसको बोलते थे फ्रेंड पावर। फ्रेंड पावर और एक्सिस पावर दो पावर थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। कहते हैं कि धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, धुरी राष्ट्र में कौन था भाई, जर्मनी था, लेकिन जो मित्र राष्ट्र था उसमें उसमें कौन था भाई, उसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, ये संयुक्त राष्ट्र में थे। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन धुरी शक्तियों का हिस्सा नहीं था, कौन इसमें से देश है जो मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, मित्र राष्ट्र का हिस्सा कौन था भाई, कौन इसमें धुरी राष्ट्र का नहीं था। इसका सही उत्तर होगा डी। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ लड़ रहे थे, ये मित्र राष्ट्र में था, बाकी जर्मनी, जापान और हंगरी ये सब एक विचारधारा के लोग थे, ये सब आपस में मिले हुए थे, इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सबको मित्र राष्ट्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संधि की गई थी, वार्साय की संधि, उस संधि में जर्मनी को अपमानित किया गया था, जर्मनी से सब कुछ छीन लिया गया था, उसको सैनिक रखने की ताकत छीन ली गई थी कि आप सैनिक नहीं रख सकते, कोयले का जो माइंस था वो छीन लिया गया था, लोहे का जो माइंस था वो छीन लिया गया था, राइन नदी के पानी का यूज आप नहीं कर सकते, बहुत सारे जो उसकी अपनी थी जर्मनी की, जर्मनी से सब कुछ छीन लिया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, और जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि की गई, एक शेमफुल ट्रीटी की गई, जिसमें जर्मनी को अपमानित किया गया, बुरे तरीके से इनकी जर्मनी को अपमानित किया गया, उसका अपमान नहीं था, वर्साय की संधि में जो जर्मनी से सब कुछ छीना गया, जो अपमानित किया गया जर्मनी को, यही अपमान हिटलर को जन्म दिया, यही अपमान हिटलर को जन्म दिया। हिटलर ने कोशिश शुरू की कि किस तरीके से अपना खोया हुआ अपमान सम्मान में बदला जाए। इसने जब इसने कोशिश की तो पहले इसने जर्मनी के चांसलर के लिए कोशिश की, तो जर्मनी के चांसलर बनने में इसको 10 साल लग गया। 1933 में ये जर्मनी का चांसलर बना, और चांसलर बनते ही इसने पहले पेपर वर्क किया और कहा कि सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पर हमला करना है, फिर पोलैंड पर हमला करना है, फिर उसके बाद बाल्टिक कंट्री पर हमला करना है, उसके बाद फिर फ्रांस पर हमला करना है। तो ये पूरी प्लान इसने पेपर वर्क किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत से पहले इसने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, फिर तुरंत पोलैंड पर अटैक किया। और आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर हमला था। यानी कहते हैं कि वर्साय की संधि अगर न होती तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध, ये क्वेश्चन आता भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज जो था वो वर्साय की संधि में छुपा था। अब किसी देश को इतना अपमानित मत कर दीजिए तो मरने मारने पर उतारू हो जाए। तो भैया असली चीज क्या था कि जर्मनी से जो सब कुछ छीना गया था वर्साय की ट्रीटी में, वो सबसे ज्यादा फ्रांस ने छीना था। तो जर्मनी किसका दुश्मन बनकर बैठा था, फ्रांस का। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और हंगरी था, लेकिन फ्रांस जो था वो क्या था भाई, जर्मनी के विरोध में था, यानी कि फ्रेंड स्टेट में था, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और कौन, अमेरिका, ये तीनों एक साथ थे, मित्र राष्ट्र इनको बोला जाता था। क्लियर है? वैसे बता दूं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो बाउंड्री बनता है वो बनाता है राइन नदी। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री बनाता है, याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री बनाता है राइन नदी, और जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच बाउंड्री बनाता है राइन नदी। राइन नदी दो देशों के बीच बाउंड्री बनाता है, जर्मनी स्विट्जरलैंड और जर्मनी फ्रांस, इन दोनों की बाउंड्री बनाता है राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है, और राइन नदी को कोयला नदी या कोल रिवर के नाम से भी जानते हैं। चलिए समझ गए, धुरी राष्ट्र में कौन नहीं था, फ्रांस, एक कहां था, मित्र राष्ट्र, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी दलों के सम्मेलन की, जो सभी दल यानी सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, उसकी समिति की अध्यक्षता किसने की, और वही व्यक्ति ने बाद में नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया। अगर कम से कम ये प्रश्न पहला लाइन अगर आपको नहीं आता, इसलिए कहता हूं पूरा प्रश्न पढ़ोगे तो जो प्रश्न आपको नहीं आता वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये कौन नहीं जानता, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, उस रिपोर्ट को लाने वाले व्यक्ति थे पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट, जिस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट बनाया था, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और मोतीलाल नेहरू ने जो कमेटी, मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो लाया गया था, वो लाया गया था, एक अंग्रेज था लॉर्ड बर्कनहेड, एक अंग्रेज था लॉर्ड बर्कनहेड, उसने भारतीयों को चैलेंज दे दिया था कि भाई आप लोग संविधान नहीं बना सकते, आपके पास इतनी अक्ल नहीं है कि आप संविधान का निर्माण कर लें। उसी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी,
और उस कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया उसी रिपोर्ट को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, नीचे दिए गए घटनाओं का अवलोकन कीजिए। क्या भैया? ऑब्जर्व द इवेंट्स गिवन बिलो। पहला क्या भैया? मुस्लिम लीग की स्थापना, अरेंज करने बोल रहा है ये, इनको अरेंज करना है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? 1906 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में। खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ? 1919 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह हुआ 1930 में। तो देखिए एक्चुअली दिक्कत कब होता है? दिक्कत तब होता है जब ये दो घटना, एक ही साल का दो घटना एक साथ दे दिया जाए, एक ही साल का दो घटना एक साथ दे दिया जाए तब दिक्कत होती है कि पहले कौन। ये दोनों 1919 की घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 और खिलाफत आंदोलन भी 1919, दोनों तब अरेंज करने में दिक्कत होती है। मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग के बाद हुआ था, दोनों 1919 में ही हुआ था, मुस्लिम लीग 1906 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो क्रम से अरेंज ही है, सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये क्रम से अरेंज है। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा ए, सबसे पहले फर्स्ट, उसके सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930। इसको याद रखना है। अगला ये नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है? माई कंट्री माई लाइफ ये किस नेता की जीवनी है? डॉक्टर आर वेंकट रमन, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या माई कंट्री माई लाइफ इज द बायोग्राफी ऑफ विच लीडर? इसका सही उत्तर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों रहे हैं। आडवाणी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्लियर है? लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी है। क्या भाई कौन सा जीवनी है? माई कंट्री माई लाइफ। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय, अनुशीलन समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर? द हेडक्वार्टर्स ऑफ अनुशीलन समिति इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? किस जगह पर अनुशीलन समिति का मुख्यालय है? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। अनुशीलन समिति आप जानते हैं बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1902 में ही कर दी गई थी, पर ढाका में किया गया था। इसकी स्थापना 1902 में ढाका में किया गया था पुलीन दास और पी मित्रा के द्वारा। पुलीन दास और पी मित्रा के द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में ही कर दिया गया था। इसकी स्थापना का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, इसकी स्थापना का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था क्या था भाई? जो बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए रास्तों पर चलना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो रास्ते बताए हैं उनके रास्ते पर चलना, यह अनुशीलन समिति का प्रारंभिक उद्देश्य था। लेकिन बाद में अनुशीलन समिति ने उग्र क्रांतिकारी रास्ता को अपना लिया। अनुशीलन समिति बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था जिसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? कलकत्ता में। पहले 1902 में स्थापित हुआ, बाद में 1906 और 7 में इसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना बाद में बारिंद्र कुमार घोष ने की थी, लेकिन प्रारंभिक रूप से इसकी स्थापना पुलीन दास और पी मित्रा ने किया था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों को आगे बढ़ाना, उससे लोगों को पालन करवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, किसके कार्यकाल में उच्च पदों से सभी भारतीयों को बर्खास्त कर दिया गया? किस गवर्नर जनरल, कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में उच्च पदों पर स्थापित सभी भारतीयों को बर्खास्त कर दिया गया? उच्च पद पर सारे भारतीयों को हटा दिया गया और 500 पाउंड से अधिक वेतन वाले सारे पद यूरोपियों को दिया जाने लगा। मैंने 500 पाउंड से अगर अधिक वेतन है तो पद किसको मिलेंगे? यूरोपीय लोगों को मिलेंगे, उनके लिए रिजर्व रहेगा। 500 से ऊपर अगर पेमेंट है जिस पोस्ट का
उसमें सब किसको मिलेगा, तो सब मिलेगा अंग्रेजों को, बाकी भारतीयों को निचला पद दिया जाएगा। उच्च पद पर बैठे सारे भारतीयों को बर्खास्त कर दिया गया। किस गवर्नर के समय ऐसा किया गया? लॉर्ड कार्नवालिस के समय। ऐसा किस गवर्नर के समय किया गया? लॉर्ड कार्नवालिस के समय ऐसा किया गया। उच्च पद पर बैठे सारे भारतीयों को हटा दिया गया और 500 पाउंड से अधिक वेतन वाले जगह पर अंग्रेजों को दाखिल किया गया। ये वही कार्नवालिस हैं जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लाया था, जमींदारी बंदोबस्त लाया था बंगाल में, परमानेंट सेटलमेंट या लैंड होल्डर सेटलमेंट किसने लाया बंगाल में? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के समय ही तृतीय यानी तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ लॉर्ड कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। और इस लड़ाई के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि की गई। लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की थी। सिविल सेवा की शुरुआत भारत में पहली बार किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। इन सारी बातों को याद कर लेना है। लॉर्ड ब्लेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। पहली बार न्यूज़पेपर पर, पहली बार अखबार पर सेंसरशिप किसने लाया था? लॉर्ड ब्लेजली ने। लॉर्ड ब्लेजली ने ही अंग्रेजों को, ब्रिटिश कर्मचारियों को, अंग्रेजों को हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 में। क्लियर है? लॉर्ड कर्जन को कौन नहीं जानता? लॉर्ड कर्जन के समय सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाया गया था। लॉर्ड कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाया गया। लॉर्ड कर्जन के काल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। आयोगों और भूलों का काल, पीरियड ऑफ कमीशंस एंड मिस्टेक ये कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के काल को। लॉर्ड कर्जन ने किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। इसके पुस्तक का नाम था। लॉर्ड कर्जन के समय कई सारे आयोग बनाए गए, जैसे विश्वविद्यालय आयोग बनाए गए। विश्वविद्यालय आयोग इसके अध्यक्ष थे रैले। जैसे बनाया गया सिंचाई आयोग, इसके अध्यक्ष थे मानक्रीफ। जैसे बनाया गया पुलिस आयोग, इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। जैसे बनाया गया अकाल आयोग, इसके अध्यक्ष थे मैकडोनल्ड। ये सभी अध्यक्ष आयोग किसके समय बनाया गया? रेल आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष थे रॉबर्टसन। ये सब बनाया गया लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय सेना के पुनर्गठन के लिए किचनर को बुलाया गया था। किचनर एक सेना का आदमी था, वो सेना के पुनर्गठन के लिए उसे बुलाया गया, है ना। बाद में कर्जन और किचनर के बीच इतना विवाद बढ़ गया, कर्जन ने बुलाया और उस खुद उसी के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कर्जन को रिजाइन करना पड़ा। लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो रोज ही चर्चा कर रहा हूं। हड़प नीति अपनाया इसने, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। इसके अलावा इसने राजधानी को, ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला ले गया। कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। बिजली विभाग की स्थापना किया, विद्युत विभाग, पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसके अध्यक्ष बनाया गया आसान धैनसी को। इसके अलावा पहला पोस्ट ऑफिस और डाक टिकट जारी किया। पंजाब में बारी दुआब नहर पर काम शुरू किया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध आया हुआ। इसके बाद इसके समय में बूट डिस्पैच आया। पहली बार कॉम्पिटिशन एग्जाम की शुरुआत हुआ, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी के समय हुआ। पहला रेल चला बंबई से थाने के बीच 33.66 किलोमीटर। ये सब डलहौजी का कार्यकाल था। इन सबको आप सुन करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लॉर्ड हार्डिंग पर हमला यानी बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, इसमें से कौन सा षड्यंत्र? द अटैक ऑन लॉर्ड हार्डिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गद्दर कॉन्स्पिरेसी, हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, सिर्फ लेटर कॉन्स्पिरेसी। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली षड्यंत्र। इसको बोला जाता है दिल्ली षड्यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र। आप जानते हैं कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर हमला किसने किया? वो किया था सचिंद्र सान्याल ने। नोट कर लीजिएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका, इसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले सचिंद्र सान्याल ने किताब भी लिखी थी। उस बुक का नाम था बंदी जीवन। उस बुक का नाम क्या था? बंदी जीवन, प्रिजनर्स लाइफ, सचिंद्र सान्याल ने लिखा था। सचिंद्र सान्याल ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न आ गया। बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी का है? अभी आंसर बता ही दिया हूं, सचिंद्र सान्याल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी रोट द बुक बंदी जीवन? आंसर क्या होगा? सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक किसका है?
सचिंद्र सान्याल का है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा देविका रानी। आपने नाम सुना होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देविका रानी। देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। बाकी पृथ्वीराज कपूर ये भी फिल्म डायरेक्टर भी थे, फिल्म के राइटर भी थे, फिल्म के हीरो भी थे। राज कपूर तो है ही, इसके अलावा गुरुदत्त भी बहुत फेमस एक्टर रहे हैं। तो देविका रानी पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में गलत है? सही नहीं पूछ रहा, गलत पूछ रहा है। कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में गलत है? तो पहला ऑप्शन है वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे राजगोपालाचारी। इन्हीं को बनाया गया था माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल। इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कार्य किया। ये गलत उत्तर है, ये मद्रास से थे, ये बॉम्बई प्रेसिडेंसी में कभी कार्य नहीं किए। तो यही उत्तर इसका गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियर के रूप में कभी कार्य नहीं किया। तो ये गलत उत्तर है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, बिल्कुल। नेहरू जी से इनका विवाद हो गया था, नेहरू जी से विवाद हो गया और आजादी के बाद इन्होंने इन्होंने क्या किया, एक अलग पार्टी बनाई। जब हमारे देश में आम चुनाव शुरू हो गया 51-52 में, उसके बाद इनका नेहरू से विवाद होता है और राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी, इनका पार्टी का नाम क्या था, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। और मैं एक पते की बात बता दूं, जब अंतरिम सरकार बनी थी सितंबर 1946 में, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उसके शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। नेहरू से विवाद के बाद इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? स्वतंत्र पार्टी। आजाद भारत के पूछा जाए पहला गवर्नर जनरल तो कौन थे भैया? ये राजगोपालाचारी थे। और आजाद भारत के पहला गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। आजाद और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? राजगोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट कहां बना? तो अंतिम भी थे। ये दोनों सही है, उपरोक्त में से सभी तो सही है नहीं, ये गलत हो गया। बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1992 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? भारत ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी नीति अपनाई थी भाई? तो लुक ईस्ट पॉलिसी। कौन सी नीति अपनाई? लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था। लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था भारत ने। भारत ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी नीति आरंभ की? नीति पूछ रहा है। वैसे जनसंख्या नीति भी आया था शीत युद्ध के बाद ही, जनसंख्या नीति आया 2000 की, जनसंख्या नीति आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बाद में जारी हुआ है, लेकिन जस्ट बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि शीत युद्ध जैसे समाप्त हुआ उसके जस्ट बाद कौन सी नीति लाई गई? लुक ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी स्टूडेंट लाया गया था साउथ ईस्ट एशिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया से भारत के संबंध अच्छे हों। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इन देशों को बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके साथ अच्छे संबंध के लिए नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय, उन्होंने क्या लाया? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी लाया। इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को अब क्या कर दिया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी किसके लिए पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट के, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी। और इस लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर मोदी सरकार ने क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। ध्यान रखिएगा आप लोग, जस्ट 92 में जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, रूस का यूएसएसआर का डिवीजन हो गया, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको आजकल रूस बोलते हैं, रूस का डिवीजन हो गया। उस रूस के बंटवारा होते ही रूस कमजोर पड़ गया और कोल्ड वॉर की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। 1945 से लेकर 1991-92 तक ये लड़ाई चला। शीत युद्ध कब तक चला? 1945 से 1991-92। इसका नाम शीत युद्ध इसलिए पड़ता है कि उसमें कोई भी गोला बारूद या हथियार का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, माने युद्ध होते होते रह जाता है पर युद्ध होता नहीं। इसको बोला गया कोल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के जस्ट बाद
क्या शुरू हुआ, कोल्ड वॉर। अमेरिका और रूस के बीच, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच अपनी ताकत को दिखाने का होड़ शुरू हुआ। ये ताकत कब तक दिखाया गया, 1991-92 तक। जैसे ही 92 में रूस का डिवीजन हुआ, रूस कमजोर पड़ा, कोल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। आगे आते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, हु वाज द विक्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग, वायसराय का मतलब होता है उपराजा। वायसराय का मतलब क्या होता है, उपराजा। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। कौन ऐसे वायसराय थे जिन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे, तो कौन थे, लॉर्ड इरविन। आपको बता दें 1930 और 1931 और 1932 में तीन गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, तीन राउंड टेबल मीटिंग बुलाए गए थे। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग 1930 में, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग 1931 में, एंड थर्ड राउंड टेबल मीटिंग 1932 में। आप जानते हैं कि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दूसरे राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया था। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जो तीनों राउंड टेबल मीटिंग में गए थे। भीमराव अंबेडकर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यानी गांधी जी और कांग्रेस पूछा जाए कि एकमात्र कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया था, तो पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा सेकंड राउंड टेबल मीटिंग। कहते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे। 1930 में 6 अप्रैल को गांधी जी ने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इरविन ने गांधी जी से बात की और उनके साथ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते में क्या था कि गांधी जी आपकी जो डिमांड्स हैं उस डिमांड हम पूरी करेंगे, लेकिन आपको बदले में क्या करना होगा, इस बड़े आंदोलन को यानी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना होगा, और साथ में राउंड टेबल मीटिंग में आपको चल के बात करना होगा। गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो गए और गांधी इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट के बाद गांधी जी कहां चले गए, गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए वादे के अनुसार, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ, लॉर्ड इरविन के समय। सेकंड राउंड टेबल मीटिंग भी कब हुआ, लॉर्ड इरविन के समय। उसके बाद 1932 में गवर्नर बन के कौन आए, लॉर्ड वेलिंगटन। तो थर्ड राउंड टेबल मीटिंग हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय। आपको बता दूं इरविन लॉर्ड इरविन के समय ही जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति भवन है उस बन के तैयार कब हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय ही। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर, भारत का एकमात्र ज्यूज गवर्नर कौन था, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इनका कार्यकाल था 1936-1944 के बीच। इन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया था और भारत को पहली बार डोमिनियन स्टेट देने की बात की थी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों ने पहली बार किस प्रस्ताव में, किस कानून में स्वीकार किया कि भारत को हम अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, पहली बार अंग्रेजों ने कब ऐसा बोला, तो अगस्त प्रस्ताव में बोला। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारत को स्वराज देने की बात की गई, यानी कि डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक स्वराज देने की बात की गई। क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कब की, तो आपको बोलना अगस्त प्रस्ताव 1940, जो किसके समय लाया गया, लॉर्ड लिनलिथगो के समय। लॉर्ड बेबल, इन्होंने बेबल प्लान भी लाया था 1944 से लेकर 1947 तक ये गवर्नर रहे। लॉर्ड बेबल बेबल प्लान इन्होंने लाया और बेबल प्लान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इनका कहना था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें गवर्नर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अंग्रेज ना हो, बल्कि गवर्नर की काउंसिल में केवल गवर्नर हो और उसके बाद सारे के सारे लोग भारतीय हो, और जो भारतीय हो उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बराबर बराबर सीटें दी जाए। यानी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बराबर बराबर सीटें दी जाए और इसमें कोई भी अंग्रेज नहीं होगा गवर्नर को छोड़कर। ये बाइबल प्लान था, इन सबको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं लोग। एनी बेसेंट के अतिरिक्त किसने भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, अपार्ट फ्रॉम द एनी बेसेंट, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। आप जानते हैं कि होम रूल मूवमेंट दो लोगों ने शुरू किया था, यानी भारत होम रूल लीग आंदोलन दो लोगों ने शुरू किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने किया था।
आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये वही एलिवेशन है जिन्होंने 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के निकट अडयार में किया था। ये वही एलिवेशन है जिनकी मैगजीन का नाम है न्यू इंडिया कॉमन बिल। ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत इन्होंने भी किया और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया। एनी बेसेंट के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से ही लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किया गया था। क्लियर है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए 1893 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। इनकी मैगजीन का नाम था केसरी और मराठा और इनके बुक्स का नाम था, इनकी किताब का नाम था गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। इनका मानना था कि आर्य मूलतः साइबेरिया से आए थे, अंटार्कटिका से आए थे। क्लियर है, ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। इनका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुई थी, किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि, आप सभी लोग जानते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हिच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? इसका सही उत्तर होगा अलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि की गई थी उसके अगले ही साल, मतलब कि ये लड़ाई कब हुआ था 1764 में, 1765 में क्या किया गया था, इलाहाबाद की संधि की गई थी। इलाहाबाद की संधि के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या बना दिया गया, पेंशन भोगी। उनको कहा गया कि पूरा भारत की सत्ता आप छोड़िए, लाल किले में कैद हो जाइए और आज के बाद आपको 26 लाख रुपया सालाना पेंशन देंगे इस संधि के अनुसार। क्लियर है, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। वैसे कहा जाता है कि बक्सर की जो युद्ध थी वो अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई थी। कहते हैं कि पूरे भारत, संपूर्ण भारत के लिए का सम्राट, संपूर्ण भारत के बागडोर अंग्रेजों के पास कब चली गई, बक्सर की लड़ाई के बाद। बक्सर की लड़ाई के बाद उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत पर भी किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का। यानी पूछा जाए कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई कौन साबित हुआ, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध। और उत्तर भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई कौन साबित हुआ, तो बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध और कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध पूरे दक्षिण भारत में अंग्रेजों का कब्जा करवा दिया और बक्सर की लड़ाई पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बक्सर और कर्नाटक युद्ध दो ही ऐसे युद्ध थे जो अंग्रेजों को भारत का बादशाह बना दिया। क्लियर है, और बक्सर की लड़ाई के बाद 1767 में बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। आगे आते हैं, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? क्या आंसर होगा, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी भाई? श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। कौन ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम। कहा जाता है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक यही थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। इन्होंने 319 एडी में गुप्ताज कैलेंडर यानी गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, याद रखिएगा 319 में। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वैसे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। और मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह वैशाली के राजकुमारी लक्ष्मी राजकुमारी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी लक्ष्मी के राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। इनसे एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को लक्ष्मी दौहित्र कहा जाता है। इसकी माँ कहाँ की थी? लक्ष्मी की थी, इसीलिए इसको लक्ष्मी दौहित्र भी कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे परांतक भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त किसका बेटा था भाई? स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था। अगर गुप्त वंशावली को देखें तो सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे बीच में रामगुप्त बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बनने से पहले एक छोटे समय के लिए एक राजा बना था रामगुप्त, लेकिन वो टिका ज्यादा दिन नहीं।
उसकी पत्नी से ध्रुव देवी उसको लेकर चले गए थे, सक लोग लेकर चले गए थे। तो बाद में बना कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कौन बना, कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था स्कंदगुप्त, ये राजा बना। स्कंदगुप्त के बारे में कहते हैं जिसने हूनों को पराजित किया था। क्वेश्चन आता है कौन से गुप्त वंश के कौन सा राजा था जिसने हूनों को पराजित किया, हूनों को पराजित किया, मध्य एशिया के अतताई, मध्य एशिया के अतताई हूनों को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था, स्कंदगुप्त। याद रखिए हून को पराजित करने वाला व्यक्ति स्कंदगुप्त। और पूछा जाए शकों को, शक वंश के लोगों को पराजित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, चंद्रगुप्त। इसीलिए चंद्रगुप्त को सकारी भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त प्रथम की। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पांड्य वंश की राज्य चिन्ह क्या था, पांड्य वंश का, व्हाट इज द स्टेट एम्बलम ऑफ पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था, पांड्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी मछली भी था और कांप भी था, मछली और कांप दोनों पांड्य वंश का राज्य चिन्ह था। पांड्य वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था, पांड्य वंश। कहते हैं कि दक्षिण भारत में पांड्य वंश का जो शासन था वो केरला और तमिलनाडु के क्षेत्र में था। याद रखिएगा ज्यादा समय तक इनका शासन नहीं रहा। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा समय तक जिनका शासन रहा वो थे पल्लव और चोल। पल्लव और चोल वंश जो थे दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश थे। पर आपसे प्रश्न पूछा गया पांड्य वंश का चिन्ह क्या था, तो मछली और कांप। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है। आप जानते हैं कि ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद के दसवें मंडल, ऋग्वेद पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद के दसवें मंडल से है। पुरुष सूक्त इज द पार्ट ऑफ विच वेदाज, ऋग्वेदाज, यजुर्वेदाज, सामवेदाज एंड अथर्ववेदाज, किस वेद से संबंध है, इसका संबंध है लिख लो ऋग्वेद के दसवें मंडल से। ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद में कितने मंडल, दस मंडल, और दसवें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत क्या कहा गया, चार वर्ण के लोग रहते हैं, चार वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका कहना था ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, बाजू से दोनों भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों की, जांग से किसकी उत्पत्ति हुई, वैश्य की, तलवा से किसकी उत्पत्ति हुई है, शूद्र की। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोल रहे हैं पुरुष सूक्त में बोला गया है ऋग्वेद के। लेकिन एक अच्छी बात यह थी ऋग्वैदिक काल में, एक बहुत अच्छी बात यह थी कि जाति का बंटवारा जन्म के आधार पर नहीं था, एक कर्म के आधार पर था। इसीलिए ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरी माँ अन्न पिसती है, मेरे पिताजी चमड़े का काम करते हैं, यानी एक घर में ही चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति भी रह रहा है, अन्न कूटने पिसने वाली महिला भी रह रही है, पढ़ा लिखा विद्वान भी रह रहा है। यानी पहले कर्म के आधार पर जाति होती थी, इसको भगवान ने नहीं बांटा है, बल्कि बाद में कुछ लोगों ने जाति पर कब्जा कर लिया और कहा कि मेरा बेटा चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा। उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोगों ने अपनी जाति पर कब्जा कर लिया, इस तरीके से ब्राह्मणवाद, शूद्रवाद, वैश्यवाद और क्षत्रियवाद होने लगा। यानी जाति पाति पहले थी नहीं, बाद में बनाई गई। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा के दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांग से वैश्य और तलवे से किसका उत्पत्ति हुआ, शूद्र का। ऋग्वेद के दसवें मंडल से चार वर्ण की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से क्या मिलती है भाई, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जानकारी मिलती है किस चीज की, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जानकारी मिलती है गायत्री मंत्र की। ऋग्वेद के नौवे मंडल से मिलता है जानकारी सोमदेव की, देवता सोम, पेड़ पौधा फल, इनके देवता कौन थे, सोम, सोमरस, सोम देवता, सोम की जानकारी ऋग्वेद के नौवे मंडल से मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, इसमें यज्ञ करने का मंत्र दिया गया है, गद्य और पद्य दोनों में है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। साम वेद से संगीत लिया गया है, साम वेद से क्या लिया गया, संगीत, और अथर्ववेद से जादू टोना और तंत्र मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन आता है वेद त्रय के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वेद त्रय में तीन वेद शामिल है। वेद त्रय में कौन शामिल है, तीन वेद, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम वेद। वेद त्रय के अंदर अथर्ववेद नहीं आता, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, मौर्य काल में राजा की निजी खेती की देखभाल कौन करता था, मौर्य काल में राजा के निजी खेती का देखभाल कौन करता था, तो सीता अध्यक्ष, सीता। मैं बताऊं आपको कि राजा जिस जमीन पर राजा स्वयं खेती करता था उस जमीन को सीता भूमि कहा जाता था। जिस जमीन पर राजा स्वयं खेती का मतलब खुद हल नहीं चलाता था, एक्चुअली
जो जनजाति लोग होते थे, जो लोग ट्राइब्स होते थे, उनसे उन पर खेती करवाई जाती थी, जो डायरेक्ट राजा के अंदर भूमि होती थी, ऐसा जमीन जिस पर वो टैक्स नहीं लेता था बल्कि पूरी की पूरी उपज ही रख लेता था, ऐसा जमीन जो स्वयं राजा के अंदर है, किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं है, उसको सीता भूमि कहा जाता था। क्या बोला जाता था? सीता भूमि। यही इसी तरह का एक भूमि था किस कौन सा मध्य काल में, सल्तनत काल में, आपको याद होगा उसको खालसा भूमि कहते थे। राजा के डायरेक्ट अंदर में जो भूमि होती थी ना, उसे मध्य काल में खालसा भूमि कहते थे। उसी को मौर्य काल में, अशोक के काल में सीता भूमि कहा जाता था। और जो सीता भूमि को देख रेख करता था उसको कहा जाता था सीता अध्यक्ष। क्या बोला जाता था? सीता अध्यक्ष। इसी टाइप का राजा के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय जमीन होती थी, उसको बोला गया, उसको खालसा भूमि कहा गया। कहते हैं कि सबसे ज्यादा खालसा भूमि किसके पास था? वो था अलाउद्दीन खिलजी के पास। क्यों था? इसका कारण भी था, उस समय जितने भी मस्जिद में मंदिर में दान किया हुआ जमीन था सबको अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था। दान दी गई सारी जमीन को अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था और अपने अंडर कर लिया था, इसीलिए सबसे ज्यादा खालसा भूमि किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो जो सल्तनत काल में खालसा भूमि था वही मौर्य काल में सीता भूमि था। आगे आते हैं, संस्कृत के नाटकों में विदूषक कौन होता था? संस्कृत में जो नाटक होता था उसमें विदूषक का रोल कौन करता था? संस्कृत के नाटकों में विदूषक का रोल कौन करता था? ब्राह्मण विदूषक। हु वाज द क्लाउन इन संस्कृत प्लेज? कौन होता था विदूषक? क्लाउन कौन होता था? तो होता था ब्राह्मण होता था। ब्राह्मण को विदूषक का रोल दिया जाता था। विदूषक का मतलब विदुषी होता है, जो मीमांसा करता है। विदूषक का मतलब जो मीमांसा करने का काम करता है, धर्म की व्याख्या करने का काम करता है, किताबों की व्याख्या करने का काम करता है, विचारों का व्याख्या करने का काम करता है, ये जो काम करता है वो तो कौन जनरली करता है? ब्राह्मण करता है। तो विदूषक का रोल किसको दिया जाता था? ब्राह्मण को। जो व्याख्या करने वाले लोग होते हैं उसी को विदूषक कहा जाता है। आगे आइए, भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर होता है? राष्ट्रपति का जो पद इंडिया में है, भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो लगभग किसके बराबर होता है? तो ब्रिटेन के महारानी, ब्रिटेन में जो महारानी होती। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति शब्द कहां से लिया गया, तब तो अमेरिका आंसर होगा, लेकिन राष्ट्रपति की स्थिति किस प्रकार की स्थिति है, तो बोलेंगे ब्रिटेन में जो महारानी की स्थिति होती है, मोनार्क की जो स्थिति होती है, वही भारत के राष्ट्रपति की स्थिति होती है। बस अंतर यह है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन का मोनार्क चुना नहीं जाता बल्कि वो वंशानुगत होता है। इसीलिए कहते हैं जिस देश में राष्ट्रपति यानी मुखिया चुनाव होता है, जिसमें मुखिया का चुनाव होता है जिस देश में, उसे रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। गणतंत्र की परिभाषा ही यही है। गणतंत्र किसे बोलते हैं? जिस देश में राजा चुना हुआ हो उसे बोलते हैं रिपब्लिक, उसे बोलते हैं गणतंत्र। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसीलिए भारत गणतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में वहां के राजा का चुनाव नहीं होता बल्कि वहां के राजा वंशानुगत होता है। इसलिए ब्रिटेन इज ओनली रिपब्लिक नॉट ओनली डेमोक्रेटिक नॉट रिपब्लिक, बट इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक, है ना? समझ ना रहा है बात? तो लेकिन चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति, और अमेरिका ब्रिटेन का जो मोनार्क है वो चुना नहीं जाता, लेकिन दोनों की स्थिति जो है ना लगभग बराबर है। तो पूछा जाए राष्ट्रपति की स्थिति कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से। किसके बराबर है? तो ब्रिटेन के मोनार्क के बराबर। लेकिन राष्ट्रपति शब्द कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? अगला ये नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के में द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? कौन सी समिति थी जिसने 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, कौन सा कमीशन है जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो द्वैध शासन लाया गया था, आप जानते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन, स्टेट में द्वैध शासन, ये लाया गया था 1919 के अधिनियम में, लेकिन 1935 के अधिनियम में राज्य से द्वैध शासन को हटा लिया गया और केंद्र में लगा दिया गया द्वैध शासन। राज्य से द्वैध शासन हटाकर कहां लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा इसमें कमीशन है जिसने सिफारिश की कि द्वैध शासन जो लगाया गया था 1919 में वो ठीक नहीं है, उसको चेंज किया जाए। तो आंसर होगा साइमन कमीशन। आप जानते हैं कि साइमन कमीशन की सिफारिश पर ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, और उसमें क्या किया गया, 1919 में जो राज्यों में द्वैध शासन लाया गया था वहां से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। राज्यों से द्वैध शासन को हटाकर कहां लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया, और राज्यों को स्वायत्त बना दिया गया। क्वेश्चन आ गया कि राज्यों को स्वायत्ता कब दी गई,
1935 के अधिनियम के तहत। 1905 शासन का मतलब ही होता है कि आधे शासन अंग्रेज चलाएंगे और आधे शासन भारत के लोग चलाएंगे। और जैसे ही द्वैत शासन हटा, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा शासन भारतीय चलाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि द्वैत शासन केंद्र राज्य से हटाया गया, राज्य को स्वायत्त बनाया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। किसके सिफारिश पर दिया गया, साइमन कमीशन। कल मैंने बताया था कि 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो नियम बनाया गया कि भारत में अब कोई भी कानून आएगा उसकी जांच के लिए 10 साल पर क्या बनेगी, एक कमेटी बनेगी। तो इसी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था। इसमें सब के सब मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वो किस कोर्ट में लिया जाएगा, संविधान से संबंधित कोई फैसला हो तो क्लियर बात है वो सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। संविधान से संबंधित कोई भी फैसला होगा तो कहां लिया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में केवल लिया जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान का संरक्षक कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक कई बार पूछ चुका है। बीपीएससी में तो कम पूछा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो क्या बोलेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट। पर एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको कि राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति अकेला ऐसे व्यक्ति हैं जो शपथ लेते समय क्या बोलते हैं कि मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, मैं संविधान का देख रेख करूंगा, ये राष्ट्रपति अपने शपथ में बोलते हैं। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए कि संविधान का संरक्षक कौन होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में न रहे तो क्या आंसर लगा दोगे, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रहे तो आंसर सुप्रीम कोर्ट होगा, संविधान के संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति का शपथ आप पढ़िए, प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं, सब शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ पढ़िए तो अकेला ऐसा पद है राष्ट्रपति का जो शपथ लेते समय बोलते हैं कि मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा। समझा रहे बात, इस नाते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो राष्ट्रपति भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो पहले आंसर सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे हम। अगर बीपीएससी का आंसर है तो आप ई लगा सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों रहे तो आप ई लगा सकते हैं, चूंकि यहां पर तो राष्ट्रपति ऑप्शन में है भी नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण भारत में किसके अंतर्गत आता है, वन्य जीव संरक्षण भारत में किसके अंतर्गत आता है, वन्य जीव का संरक्षण। आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, मौलिक अधिकार। आप जानते हैं भाई कि मौलिक अधिकार में आता है वन्य जीव संरक्षण, जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार में आता है, बिल्कुल नहीं आता है मौलिक कर्तव्य में। हाँ, वन पर्यावरण की सुरक्षा करने की बात की जाती है मौलिक कर्तव्य में, और डीपीएसपी में की जाती है, डीपीएसपी में की जाती है पर्यावरण की सुरक्षा की बात, डीपीएसपी में किया गया है। जानवरों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 और पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A। आप पर्यावरण की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य में करते हैं तो बी और सी वाला ऑप्शन कहीं नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई दो, इनमें से कोई दो। मौलिक कर्तव्य में भी पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा की बात की गई है, हमारा कर्तव्य बताया गया है, और डीपीएसपी के अनुच्छेद 48 ए में क्या बताया गया है, पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा कीजिए। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी ई आंसर हो जाएगा इसका। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सती प्रथा का अंत। भारत के संविधान में पूछ रहा है क्या वर्णित है, एकदम स्पष्ट रूप से किस चीज का वर्णन है, क्लियर कट संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, केवल यही। आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 और 24 में है। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और यह केवल यही मेंशन है, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है, सती प्रथा का अंत और प्रेस की स्वतंत्रता का क्लियर कट चर्चा नहीं है। अगर आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद 19A में तो है ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पष्ट रूप से वर्णित ये पूछा है ना, केवल वर्णित पूछता तो हो जाता, स्पष्ट रूप से लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता तो नहीं लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया तो बोला कि इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, पर वर्णन नहीं है, तो प्रश्न के अनुसार आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा, 38 का ए। आगे आते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के बाद
संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत में, भारत के संविधान में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन से भारत के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से क्या जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए, कितने? 10। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रत्येक गार्जियन अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को वो प्राइमरी एजुकेशन दिलाए, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। यानी मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ अगर पूछा जाए संविधान संशोधन, तो दो हो जाएगा, 42वां 1976 और 86वां 2002, है ना। तो मौलिक कर्तव्य लाया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वैसे बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है? कौन से व्यक्ति बिल को पेश करेगा? आप जानते हैं विधेयक दो प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल। अगर सरकार का कोई व्यक्ति, कोई मंत्री बिल पेश करता है, केवल मंत्री और प्रधानमंत्री बिल पेश करेगा, तो उसी को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक कहते हैं अगर मंत्री को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर बिल पेश करेगा, कोई आम सांसद बिल पेश करता है, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, अगर आम सांसद और मंत्री नहीं है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बीच अंतर क्या है? कि मंत्री पेश करे तो सरकारी और आम सांसद पेश करे तो गैर सरकारी। दूसरा अंतर है कि सरकारी विधेयक पेश करने के सात दिन पहले बताना पड़ता है। सरकारी विधेयक पेश करने के 7 दिन पहले संसद को इन्फॉर्म करना होता है कि हम विधेयक लाने वाले हैं। लेकिन गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के 1 महीना पहले बताना होता है कि हम विधेयक लाने वाले हैं। यानी गैर सरकारी विधेयक को अगर लाना है तो एक महीने पहले बताना होगा उसे कि मैं विधेयक लाने वाला हूं। लेकिन अगर सरकारी विधेयक लाना हो, कोई मंत्री जी विधेयक ला रहे हैं, तो उनको 1 सप्ताह पहले बताना होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मंत्री। मंत्री के द्वारा, किसके द्वारा लाया जाता है? मंत्री के द्वारा। 40 का हो जाएगा बी, समझ में आ गया। अगला, ये डोगरी आपने कल पढ़ा है, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? व्हेन डोगरी लैंग्वेज वाज एडेड इन 8th शेड्यूल। कब जोड़ा गया डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में? कब जोड़ा गया? तो कल बताया था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इन चारों भाषा को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2003 में। इसी संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम की भाषा, डोगरी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की भाषा, मैथिली उत्तर बिहार की भाषा, और संथाली झारखंड की भाषा। इन चारों को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे आइए, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके लिए उपलब्ध है, ये पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन है भारत के केवल नागरिक। भारत के नागरिक के लिए केवल उपलब्ध है। संवैधानिक उपचार क्यों करते हैं? क्योंकि जब फंडामेंटल राइट आपसे छीनने की कोशिश की जाती है, तभी तो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी व्यक्तियों के लिए दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा आंसर ए, भारत के केवल नागरिक को नहीं, एक तो इसको भी मिलता है ना, इसमें सभी व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार। एक मैंने क्या बताया अभी कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए ये लाया जाता है। संवैधानिक उपचार में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट को छीनने पर। तो फंडामेंटल राइट, तो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं, केवल नागरिक, ऐसा तो नहीं कि फंडामेंटल राइट को भारत के नागरिक को मिला हुआ है। हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट है जो केवल भारत के नागरिक को मिला है, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जो विदेशियों को भी मिला है। तो फंडामेंटल राइट के हनन के बाद ये लाया जाता है, संवैधानिक उपचार किया जाता है रिट के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा सभी व्यक्तियों के लिए दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो यह काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई गई थी। पहली बार पिछड़े वर्गों के लिए, क्वेश्चन आ जाए कि पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए भारत में बनी पहली समिति कौन थी, इसका सही उत्तर होगा काका कालेकर समिति। नोट कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बना था। और दूसरी समिति थी मंडल कमीशन, बीपी मंडल की अध्यक्षता में
जनता पार्टी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी पिछड़े वर्ग के स्थिति की जांच के लिए, तो उसको बोला गया मंडल कमीशन, जिसे बाद में वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था। तो पहला आयोग था पिछड़े वर्ग की जांच के लिए काका का लेकर समिति, और दूसरा आयोग था मंडल समिति। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, यह असम की आधिकारिक भाषा है। बोडो भाषा जो है ये असम की आधिकारिक भाषा है, असम की आधिकारिक भाषा है, बिल्कुल सही उत्तर है। असम की क्या है? आधिकारिक भाषा है। दूसरा, यह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है, बिल्कुल सही उत्तर है, अभी बताया हूं। बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया था, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। बोडो भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। आप क्या समझते हैं कि हिंदी की लिपि केवल देवनागरी है? नहीं, भारत में 8 अलग अलग लैंग्वेज है। भारत में 8 अलग अलग भाषा की लिपि देवनागरी है, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, बोडो, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी लिपि में बोडो भी लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में कोंकणी भी लिखा जाता है, नेपाली भी लिखा जाता है, सिंधी भी लिखा जाता है, हिंदी भी लिखा जाता है। तो कुल 8 भाषा है जिनकी लिपि देवनागरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, समाजवादी, लोकतंत्र, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष, इनमें से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? इनमें से कौन से शब्द, चारों के चारों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, संप्रभुता भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष के जगह पर पंथ निरपेक्ष है, हालांकि अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष के जगह पर पंथ निरपेक्ष है, फिर भी हम मानेंगे चारों। ठीक है, आपको बता दो, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, नोट कर लीजिएगा, पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है शब्द का। तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष, ये चारों शब्द प्रस्तावना में है। आप जानते हैं कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और कौन जोड़ा गया था भाई, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। यानी पूछा जाए प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो बोलना है आंसर एक बार। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न, मैंने 1986 के नागरिकता अधिनियम में क्या मेंशन, ये पूछ रहा है, नागरिकता अधिनियम में क्या क्या मेंशन है। पहला है संशोधन में, अच्छा निम्नलिखित परिणाम दिए गए, पहला है दोहरी नागरिकता। अच्छा 1986 के नागरिकता संशोधन विधेयक जो था उसमें क्या क्या था? पहला ऑप्शन दिया दोहरी नागरिकता था, दूसरा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने और श्रीलंका और बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों को नागरिकता देने में कठिनाई, ये तीनों में से क्या था 1986 के नागरिकता अधिनियम में? क्या था 1986 के नागरिकता अधिनियम में? चलिए बताइए इनमें से क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। ये केवल 3 आंसर सही होगा, सी। बाकी दोहरी नागरिकता की बात 2003 में की गई थी, आप लोग नोट कर लीजिए, पहली बार भारत में दोहरी नागरिकता की बात 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। पहली बार दोहरी नागरिकता की बात की गई 2003 के नागरिकता संशोधन विधेयक में, 2003 के नागरिकता संशोधन विधेयक में पहली बार दोहरी नागरिकता की बात की गई, किसके सिफारिश पर? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। 18 साल मतदान की उम्र जो किया गया था ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। बाकी तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, ये 86 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में लाया गया था। नेक्स्ट आइए, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार करने, वाणिज्य करने, आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों के माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य इस प्रकार का कानून बना सकता है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है। इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है कि व्यापार पर कर राज्य लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है। लेकिन वो कर तभी लगाएगा
जब ऐसा कर कोई और राज्य पहले लगा चुका है, लगाया हुआ भी अगर कर है, अगर मान लीजिए कि यूपी में एक टैक्स लगता था व्यापार पर कर, और बिहार भी लगाना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लगा देगा, इस पर राष्ट्रपति का परमिशन लेना जरूरी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए भाई, अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस बिलों के लिए, निम्नलिखित में से कौन से बिल के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध का हल करने की संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कौन से इसमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसमें संसद के ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। देखो भाई, संसद का ज्वाइंट सेशन केवल साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल में ही बुलाया जाता, केवल ऑर्डिनरी बिल, संसद के ज्वाइंट सेशन केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाया जाता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लिए कभी नहीं बुलाया जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए कभी भी ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सेशन केवल और केवल बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन केवल और केवल बुलाया जाता है साधारण विधेयक को लेकर, याद रखेगा, यानी कि ऑर्डिनरी बिल को लेकर बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, अनुच्छेद 118(1) के तहत कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाया गया कर में से एक है, और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उसका उल्लेख है, कौन सा एक टैक्स केंद्र लगाता है, इनमें से कौन सा एक टैक्स केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाया जाता है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में उसका उल्लेख है, कौन सा ऐसा टैक्स है जिसका उल्लेख संघ सूची में है। इसका आंसर हो जाएगा क्या है, निर्यात कर, समाचार पत्रों के विज्ञापन पर कर, कृषि आय पर टैक्स, बिजली पर टैक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा C, 1 और 2, यानी कौन कौन सा भैया, निर्यात कर और समाचार पत्रों के विज्ञापन पर कर, ये सब संघ सूची में शामिल कर है, कृषि पर टैक्स संघ सूची में शामिल टैक्स नहीं है। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति कौन देता है, भाषाई अल्पसंख्यक नियुक्त करना है राष्ट्रपति को तो कौन से अनुच्छेद के तहत वो भाषाई अल्पसंख्यक की नियुक्ति करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यक की नियुक्ति, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं कौन राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ख के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक की नियुक्ति करेंगे। 350 क के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक राज्य अपनी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देगा, क्लियर है। 352 में तो आप जानते हैं आपातकाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषाई अल्पसंख्यक 350 ख, क्लियर है। तो आज के सेशन का अंतिम सवाल यही है, काफी टाइम लग गया आज, कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ सेशन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार प्रत्येक दिन शाम 4 बजे हम इस सेशन को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं शाम 4 बजे, ऑल द बेस्ट।